जब दो लापरवाह या नासमझ चालक एक साथ सड़क पर हों, तो सोचिए क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, हादसा ही होगा, और वही यहां भी हुआ। यहाँ एक ऑटो चालक और एक बाइक सवार की टक्कर हुई, क्योंकि दोनों ही चालक किसी और ही दुनिया में थे। उन्हें न शायद यातायात के नियमों का कुछ ज्ञान है, ना ही ट्रैफिक रूल्स, ड्राइविंग रूल्स से उन्हें कोई भी वास्ता है। इसीलिए तो वो सड़क पर ऐसे ड्राइविंग कर रहे हैं मानो किसी खाली मैदान में वाहन दौड़ा रहे हों, इसीलिए ये हादसा होता है। वीडियो में आप देखेंगे कि एक ऑटो सड़क पर चल रही है, वो ऑटो रोड क्रॉस करके दूसरी साइड जानी होती है। ठीक उसी समय सामने की तरफ से एक बाइक सवार आता है। अब ऐसे में होना क्या चाहिए था, ऑटो ड्राइवर हाथ देता, रोड क्रॉस करने का इशारा करता तो बाइक सवार रुकता, और उसके बाद ऑटो निकलता, फिर बाइक सवार निकलता। ये बहुत ही साधारण सी बात है जो हम सभी जानते हैं, लेकिन शायद इन दोनों महानुभावों को इस बात का ज्ञान नहीं था। इसीलिए ऑटो वाला बिना इशारा किए, बिना सिग्नल दिए सीधे ऑटो को क्रॉस कराने लगता है। वो ये भी देखने की जहमत नहीं उठाता कि पीछे से वाहन भी आ रहा है, और इसी वजह से बाइक सवार और ऑटो की टक्कर होती है। नतीजा आपके सामने है। वो तो बाइक सवार की किस्मत अच्छी थी कि कोई बड़ा वाहन दूसरी साइड से नहीं गुजरा, वरना आप देखेंगे कि जब बाइक सवार उछल कर नीचे गिरता है, अगर उस समय सोचिए वहां से कोई ट्रक या बस गुजर रही होती तो क्या होता, बाइक सवार का काम तो तमाम हो जाता ना। लेकिन उसकी खुशकिस्मती कि वो बच गया। वहीं बाइक सवार की भी थोड़ी सी गलती है, जब उसने देखा कि ऑटो ड्राइवर ने अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया है, उसने सिग्नल नहीं दिया है, तो कम से कम बाइक सवार को ही अपनी स्पीड धीरी करनी चाहिए थी या रुक जाना चाहिए था। लेकिन वो भी बिल्कुल तोप की गति से वहां से निकलना चाहता था। इस चक्कर में उसने भी इस बात की अनदेखी की और ऑटो से टक्कर ले बैठा। जब भी आप सड़क पर ड्राइविंग करें, बेहद सतर्कता के साथ करें, बेहद सावधानी के साथ करें। आपके द्वारा की गई एक छोटी सी चूक आपके साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल सकती है।